चुनावी नतीजे आए, 11 दिन हो गए, 4 जून को नतीजे आए, नई सरकार बने 6 दिन हो गए। और एक पुरानी कहावत है, दिल्ली की गद्दी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरा, दरअसल वो रास्ता उड़ीसा और आंध्र होकर गुजरा। और उड़ीसा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के चलते 240 का आंकड़ा छू पाई बीजेपी, वो भी बहुमत से 32 नीचे है। और चंद्रबाबू नायडू का साथ मिला तो एनडीए आसानी से 272 के आंकड़े को पार करता दिखाई दिया। अब ऐसे में आज हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में दरअसल बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां पर वो बम बम थी, दो चेहरों पर वो बैंक कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोदी योगी की जोड़ी। ये खेल सफाचट करने का है, विपक्ष तो टिक भी नहीं पाएगा, लेकिन 33 सीटों पर सिमटा दिया बीजेपी को। सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई 37 सीटों के साथ। और इसका एक सहज अंदाजा लगाइए, ऐसा नहीं कि कुछ पॉकेट्स थी जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर निगाह डालें और इसमें सेंट्रल यूपी, जो मध्य यूपी है, उसकी भी कुछ सीटें हमने जोड़ी हैं। 2014 में जब बीजेपी 72 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, तब 24 सीटें जीती थी बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। थोड़ी सी गिरावट हुई 2019 में, 19 सीटें, लेकिन इस बार 13 सीटें ही जीत पाई बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर हम अवध के इलाके की बात करें, जो एक और गढ़ था बीजेपी का, 20 सीटें 2024, 20 सीटें 2014, 2019 में भी 20, आधे में आ गई 2024 में। बुंदेलखंड सीटें 4 ही हैं, चारों की चारों जीत गई बीजेपी 2014 और 19 में, इस बार सिर्फ एक पर कमल खिला। और पूर्वांचल, जहां से दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सांसद भी हैं, बनारस से और गोरखपुर से आते हैं योगी आदित्यनाथ, उस इलाके में जहां 23 सीटें 2014 में जीती बीजेपी ने, थोड़ी घटी थी 2019 में, और तब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन भी था, हाथी और साइकिल साथ ही थे, तो भी 19 जीतने में बीजेपी कामयाब हुई। इस बार 9 पर आकर गिर गई, 9 सीटें। जो वोट प्रतिशत था, जो कहीं 50% था, वो 41% पर आकर अटक गया, 9% की गिरावट। अब सरकार तो बन गई, लेकिन ये बैसाखियों के सहारे जो सरकार बनी है, इसके पीछे वजह क्या है? उत्तर प्रदेश में दरअसल कहां गच्चा खा गई, रणनीतिक चूक कहां हुई, समीकरण कहां बदल गए, बिगड़ गए, पीडीए कैसे काम कर गया, सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की धरी क्यों रह गई, अखिलेश यादव का पीडीए भारी कैसे पड़ गया, वो कांग्रेस जो 2.36% वोट बैंक पर सिमट गई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो कैटलिस्ट का काम कैसे कर गई। और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विजयी रथ पर सवार होते दिखाई दिए, सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो। अब आज चर्चा क्यों, 2-3 दिलचस्प चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो सरसंचालक, वो प्रवास पर हैं, गोरखपुर में हैं, 12 जून से वहां हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका तो घर है गोरखपुर, वो भी वहां पहुंचे। बीच में खबरें ये भी आई, सूत्रों के हवाले से ये खबरें मिलती हैं कि जी योगी आदित्यनाथ और सरसंचालक की मुलाकात होगी। अब देर शाम होते होते खबर ये आ रही है कि ये मुलाकात तो प्रस्तावित ही नहीं थी,
और प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने के लिए पहुंचे थे मोहन भागवत, और यह तो कई महीनों पहले से ही प्रस्तावित थी, या यह शिविर प्रस्तावित था। पर देखिए, एक ये बयान दिया जाना, ये खबर बताई जानी, और कोई घर में है 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट मिल लिया जाए, मिलना भी एक खबर होती, ना मिलना भी अपने आप में क्या खबर नहीं है कि क्यों नहीं मिला जा रहा, जबकि 9 तारीख को सरकार बनी, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो 10 तारीख को अहंकार की बात करते दिखाई दिए मोहन भागवत। अशांति की भी चर्चा हुई, आभासी प्रचार, ऑर्गेनाइजर ने कहा 400 पार के बबल में फंसे हुए थे। फिर इंद्रेश कुमार कहते हैं कि भगवान राम ने न्याय किया, 240 वो 241 कह गए थे, 240 सीटें आई हैं बीजेपी की, कि वहीं पर रोक दिया, अहंकार हो गया था, और जो राम विरोधी हैं उनको 234 पर निपटा दिया, ये भी जोड़ा उन्होंने। लेकिन ये अहंकार की जो बातें आ रही हैं, ये बबल, ऑर्गेनाइजर कह रहा है कार्यकर्ताओं और सांसद और विधायक में सारा जुड़ाव खत्म हो चुका है, बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे हैं मंत्री, या रहने लगे थे, क्योंकि बहुतेरे हारे भी। वीआईपी कल्चर हावी हो गया, आपस में नूरा कुश्ती नहीं, सीधी जंग शुरू हो चुकी है। संगीत सोम विधायक थे पर आक्रामक चेहरा है बीजेपी के, और संजीव बाल्यान हार गए मुजफ्फरनगर से सांसदी का चुनाव, आमने सामने हैं, जयचंद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, शिखंडी ये शब्द भी इस्तेमाल किया गया, धोखेबाज, गद्दार, गद्दारी की विधायकों ने हरवा दिया, विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे, एक नहीं न जाने कितने नेताओं के ये बयान अब सार्वजनिक हो चुके हैं। और सोशल इंजीनियरिंग जो करती दिख रही थी बीजेपी, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जिसके चेहरे थे, उनके दोनों के बेटे हार गए, अब आंतरिक राजनीति की वजह से, बीजेपी की आंतरिक राजनीति की वजह से हार गए। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां चुनाव लड़ी उसको वोट दिया, लेकिन गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते। अनिल राजभर ने पलटवार किया है, राजभर वर्सेस राजभर हो रहा है, यानी कि रायता बहुत फैल गया है। और जो ये मुलाकातों की अटकलें जो लगाई जा रही हैं, अब एक दिलचस्प चीज देखिए, नजारा भी दिखाता हूं आपको। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, वो नालों का जायजा ले रहे हैं गोरखपुर नगरी में कि भाई नाले दुरुस्त हैं या नहीं, लेकिन बात तो यहां गड्ढों की होनी चाहिए ना, ये गड्ढे किसने खोदे बीजेपी की राह में उत्तर प्रदेश में, और इन्हें भरा कैसे जाए, उसके बारे में एक चुप्पी क्यों है। कहने को समीक्षा बैठक हो रही है, वो समीक्षा को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं कि 40 टीमें बना दी गई हैं, 80 सांसद हैं, रिपोर्ट आएगी, बंद लिफाफे में रिपोर्ट दी भी जाने लगी है, ये बंद लिफाफे खुलेंगे या ये बंद ही रह जाएंगे क्या, हार और वोट प्रतिशत कम क्यों हुआ, पर आमने सामने बातचीत कब होगी और कितने खेमों में बटी हुई है बीजेपी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लखनऊ एक गुट है, एक दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व है, एक नागपुर यानी कि संघ, वो नजर गड़ाए बैठा हुआ है, कौन किस पर भारी है, कौन किस पर हावी है, और समन्वय कदम ताल होगा या नहीं होगा, या अब वो दूर की कौड़ी लगने लगा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, गोरखपुर में भागवत योगी और मुलाकात नहीं होगी और बंद लिफाफा खुलेगा,
यूपी की हार का कारण मिलेगा?